सो गाइस तो कैसे आप लोग। तो गाइस आज मैं इतना खुश दिखाई कैसे दे रहा हूँ कि मेरा ये आ चुका है गूगल एडसेंस का पिन, जो कि आज आपको अभी दिखा रहा हूँ मैं। तो ये कैसे अप्लाई करेंगे जो हमारा फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल हो जाए, स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बात तो सभी को पता होगी, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के बाद हमारा चैनल यूट्यूब पे हो जाता है मोनेटाइजेशन, यानी कि YPP प्रोग्राम में हमारा चैनल चला जाता है और हमारी अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज जो ये गूगल एडसेंस है, इसकी क्या पॉलिसी है, ये पिन कब आता है, ये सबको पता ही होगा। तो गाइज जैसे कि मैं आपको बता दूँ फिर भी कि $10 होने के बाद ही आता है। तो मेरे एडसेंस में अभी $2.5 हुए थे, तो हमारा ये कैसे अप्लाई हो गया था, मतलब तो यूट्यूब को पता लग जाता है जब वाइट स्टूडियो मेरे $10 से थोड़े ज़्यादा हो गए थे, और गूगल एडसेंस को पता लग जाता है कि इसके $10 से प्लस हो चुके हैं। तो $10 या फिर $10 से प्लस होने के बाद हम ये अप्लाई कर सकते हैं, तभी हमारा एक्शन बटन आता है। और ये कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताने वाला, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखोगे। और एक बात और बता दूं आपको कि जो गूगल एडसेंस पिन आता है, ये हम अप्लाई करने के बाद हमारा जो पिन आता है, जब हम उसमें पिन डाल देते हैं तो हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट, और बैंक अकाउंट नंबर मांग लेते हैं, और जब हमारे $100 हो जाते हैं तो बैंक में पहली सैलरी आती है हमारी। तो गाइस दूसरी बात यह है कि जो ये पिन होता है, आपने थोड़ा सा भी अगर इनकरेक्ट कर दिया तो आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, और 3 बार आपका इनकरेक्ट हुआ तो आपका यूट्यूब चैनल हो जाएगा हमेशा के लिए बंद। तो इस प्रकार का पिन आप कैसे अप्लाई करोगे, एक्शन बटन आएगा उसके ऊपर, कैसे अपना एड्रेस डालोगे, कंप्लीट आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस तो स्क्रीन को थोड़ा रोटेट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। तो ऊपर जो एक्शन बटन आया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, तो क्लिक करने के बाद थोड़ी प्रोसेसिंग लेगा, जैसे कि आपका नेट चलेगा उस हिसाब से आपका ये लोड हो जाएगा। तो जैसे कि लोड हो रहा है, लोड हो गया और वेरीफाई नाउ का ये ऑप्शन आ गया है मेरे पास, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर देना होता है, 4-4 डॉक्यूमेंट मांगता है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं पैन कार्ड यहाँ पे दे रहा हूँ और सब कुछ नेम नाम एक बार चेक लेता हूँ जो मैंने एड्रेस डाला है वो सही डाला है नहीं डाला है। तो यहाँ पर हम कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं, वैसे तो मैंने आधार कार्ड वाला एड्रेस डाला है क्योंकि मेरा आधार कार्ड भी इसी एड्रेस पर आया था, इसलिए आधार कार्ड वाला एड्रेस बिल्कुल वेरीफाइड होता है। तो एड्रेस लाइन 1 में अपना गांव का नेम या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम जो भी डालना चाहो आप डाल सकते हो, या फिर अपने फादर का नेम डाल सकते हो, और एड्रेस लाइन 2 में आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, कोई भी जो आपका सेकंड मोबाइल नंबर हो वो वाला डाल सकते हो। ये उसके ऊपर प्रिंट होकर आएगा, जो भी आपके पास कोड आएगा यानी कि पिन आएगा एडसेंस का उसके ऊपर प्रिंट होकर आएगा। और आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है यहाँ पर, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट आधार कार्ड के ऊपर दी हुई होगी, और पोस्टल कोड डाल देना है डिस्ट्रिक्ट का। तो आगे और स्टेट में तो हरियाणा है, मतलब जो मैं हरियाणा स्टेट का हूँ, आप जिस स्टेट के हो अपना स्टेट डाल लीजिएगा। तो आगे इसमें क्या करना है, इसमें आगे आपको दिखाई दे रहा होगा सबमिट पे क्लिक कर देना है, सिंपली यहाँ पर अपलोड कर देंगे। मेरा पैन कार्ड यहाँ पे मैंने डाला है, मतलब डाल रहा हूँ अभी, तो यहाँ पर मैं मेरा पैन कार्ड डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैन कार्ड पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड अपलोड कर देता हूँ, बिल्कुल एक HD सी पिक होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए पैन कार्ड के ऊपर, या फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मेरा पैन कार्ड अपलोड कर रहा हूँ। तो पैन कार्ड अपलोड करते ही और कुछ भी नहीं मांगा, केवल पैन कार्ड ही वेरीफाई होगा, एक थोड़ा सा समय लगेगा और ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये मैंने पैन कार्ड अपलोड कर दिया है, और अभी एक बार चेक कर लेता हूँ जो भी ऊपर नेम डाला है, आप भी चेक कर सकते हो, और सबमिट पर क्लिक कर दिया। तो इस प्रकार से ये वेरीफाई होगा जैसे ही आपका नेट चले, मैंने पहले बताया वेरीफिकेशन इन प्रोग्रेस, तो सबमिट कर दिया मैंने, और फ्यू डेज़ के बाद ये मेरे पास पिन आ जाएगा, इस प्रकार से बोल रहा है। तो हमें गॉट इट पे क्लिक करना होगा, एक बार आप रीड कर सकते हैं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने तो रीड कर लिया है, और रीड करने के बाद मैंने गॉट इट पे क्लिक कर दिया। गॉट इट पे क्लिक करने के बाद कुछ दिन बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, जो हमारा यहाँ पे पिन डालना होगा हमें एडसेंस का। तो अभी ऑप्शन आया नहीं है, 2-3 दिन के बाद ऑप्शन आ जाता है। तो इस प्रकार से मेरा ये ऑप्शन आ गया, वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस। तो यहाँ पर हमें पिन डालना होता है, यहाँ पर लिखा गया कि 2 से 4 वीक के अंदर यहाँ पे मेरा पिन आ जाएगा। तो मेरा पिन आ चुका है और मैं यहाँ पे मेरा पिन डाल रहा हूँ, और हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वही डालना है जो हमारे पास आया है। थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल करेक्ट डाला है, योर बिलिंग एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड। तो मैंने फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरा इसको, और ध्यानपूर्वक ये मैंने पिन डाला, और फर्स्ट टाइम में मेरा हो गया वेरीफाइड। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं अपना वेरीफाइड। सो गाइस तो स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने कि कैसे आप एक्शन बटन आने के बाद वेरिफिकेशन कोड हमारे घर, मतलब अपने घर पर मंगा सकते हैं, कैसे आपको एड्रेस डालना पड़ता है, और आपको क्या क्या कुछ करना पड़ता है, और कैसे बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं, सब कुछ मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखोगी तो आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। सो गाइस तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एडसेंस पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एडसेंस से रिलेटेड या फिर यूट्यूब से रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं हमेशा मतलब ऑनलाइन ही रहता हूँ लगभग, तो और मैं आपका तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हो, कोई भी आपको दिक्कत आती है, तो मैं तुरंत आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी इश्यू, आपको कंप्लीट सोल्व कर दूंगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।